दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस ऑन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेडर संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पे काफी सारे नोट्स, पीडीएफ, पुराने एग्जाम पेपर, ऑनलाइन एग्जाम प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को काफी हद तक अच्छी तरह से कर सकें। तो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है आपका एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज ब्लॉक एक टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट की ये शिकायत थी, काफी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर एंगल गेज ब्लॉक से हम लोग एंगल को कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग एंगल को ज्ञात करें। तो एंगल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल गेज ब्लॉक। और ये बनाया जाता है नॉन क्रीप एलॉय स्टील का बनाया जाता है। और इसके जो फेस होते हैं, इसके जो फेस होते हैं, ये देख रहे हैं आपके, मैंने आपके एंगल गेज ब्लॉक बना के रखे हुए हैं। इनके जो फेस होते हैं, ये फेस लेपिंग के द्वारा फिनिश किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनका आकार कैसा होता है, तो ये वेज के शेप के आकार के होते हैं। वेज के शेप के आकार, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो एंगल गेज बनाए हुए हैं। ये जो एंगल गेज आपके वेज के शेप के आकार में बने हुए, वेज के आकार में बने हुए हैं। अच्छा, अब जो आपके जो एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, इनकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, इनकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इनकी एक्यूरेसी होती है एक सेकेंड की एक्यूरेसी में ये किसी एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी एंगल को माप सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में या आपके जो भी एग्जाम आते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो एंगल गेज ब्लॉक होता है, एंगल गेज ब्लॉक की एक्यूरेसी कितनी होती है, एंगल गेज ब्लॉक की लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो एंगल गेज ब्लॉक की जो लीस्ट काउंट होती है वो हमारी कितनी होती है, एक सेकेंड होती है। एंगल गेज ब्लॉक एक सेकेंड की परिशुद्धता में किसी कोण को माप सकते हैं, किसी कोण को चेक कर सकते हैं। एंगल गेज ब्लॉक जो होते हैं हमारे, एंगल गेज ब्लॉक, दो एंगल गेज ब्लॉक को जब एक साथ लगाया जाता है, तो दो एंगल गेज ब्लॉक को एक साथ लगाने के लिए उनके बीच में ट्विस्टिंग की जाती है और या फिर स्लाइडिंग की जाती है। ट्विस्टिंग भी की जाती है, स्लाइडिंग भी की जाती है। MPPGCL में पिछले टाइम पे जो 2018 दिसंबर में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्लिप गेज का। क्योंकि स्लिप गेज और एंगल गेज स्लिप गेज का ही एक प्रकार का भाग होता है, एक प्रकार का रूप होता है। तो स्लिप गेज और एंगल गेज दोनों एक दूसरे के समान ही वर्क करते हैं। फर्क इतना होता है, जो स्लिप गेज होता है वो किसी हाइट को या किसी चौड़ाई को या किसी लंबाई को मेजर करता है, जबकि एंगल गेज किसी एंगल को मेजर करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज को किस माध्यम से जोड़ा जाता है, किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो वहां पे आंसर आ जाएगा आपका ट्विस्टिंग एंड स्लाइडिंग। ट्विस्टिंग एंड स्लाइडिंग विधि से हम लोग स्लिप गेज को जोड़ते हैं। सेम प्रोसेस होती है हमारी किसमें, एंगल गेज में। एंगल गेज में भी ट्विस्टिंग और स्लाइडिंग मेथड से दो एंगल गेज ब्लॉक को जोड़ा जाता है और इस विधि का नाम है आपका क्या, रिंगिंग। इस विधि को बोलते हैं हम लोग रिंगिंग। दो स्लिप गेजों को या दो एंगल गेज ब्लॉक को एक साथ जोड़ने की प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रिंगिंग। और स्लिप गेजों का साइज बनाने की प्रक्रिया, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्लिप गेज का साइज बना के रखा हुआ है। स्लिप गेज का साइज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है बिल्डिंग अप। क्या कहलाती है, बिल्डिंग अप। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले सबसे भारी चीज, सबसे बड़ा चीज रखा जाता है, क्रमशः फिर छोटा 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 आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से एंगल गेज ब्लॉक में भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ब्लॉक रखा जाता है, फिर उससे छोटा ब्लॉक रखा जाता है, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा ब्लॉक रखा जाता है। तो इस तरह से जो साइज बनाने की प्रोसेस है, इस साइज बनाने की प्रोसेस को नाम दिया जाता है बिल्डिंग अप। अच्छा, आपके जो एंगल गेज ब्लॉक होते हैं, एंगल गेज ब्लॉक में जो सेट होते हैं वो कितने सेट होते हैं, टोटल आपके दो सेट होते हैं। कौन कौन से सेट होते हैं, सेट ए होता है और सेट बी होता है, सेट ए और सेट बी होते हैं। आपके जो सेट ए होता है, सबसे पहले हम सेट बी की बात करते हैं। सेट बी जो होता है, सेट बी में जो डिग्री में जो एंगल गेज ब्लॉक के पीस बने हुए हैं वो है आपका 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री और 41 डिग्री। कुल आपके 5 पीस होते हैं। मिनट में 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट के कुल 4 पीस होते हैं। सेकंड में 6 सेकंड, 18 सेकंड, 30 सेकंड के कुल 3 पीस होते हैं। तो 5, 4, 9 और 3, 12 पीस होते हैं आपके किसमें, सेट बी में। सेट बी से कहीं ज्यादा एक्यूरेट, सेट बी से कहीं ज्यादा एक्यूरेट कोण मापने के लिए, मेजर करने के लिए सेट ए होता है। सेट ए में सेट बी के समान ही स्लिप गेज लेते हैं, परंतु सेकेंडों में 3 सेकेंड की एक संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ पे 30 हो जाते हैं आपके 4 और सेट ए में स्लिप गेजों की संख्या हो जाती है कितनी, 13। तो सेट ए में, सॉरी, सेट ए में एंगल गेज ब्लॉक के कुल पीस हो जाते हैं, कुल कितने हैं आपके, 13। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ फिगर बनाए हुए हैं कि एंगल गेज ब्लॉक में कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है, अर्थात कौन से हिस्से में हमको कोण को बढ़ाते हुए लेना है और कौन से हिस्से में हमको कोण को घटाते हुए लेना है।
तो यहाँ पे देखेंगे आप सर, स्लिप गेज को हम लोग बिल्डिंग अप करेंगे, अर्थात जब स्लिप गेज का साइड बनाएंगे, स्लिप गेज का जब हम लोग साइड बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कुछ इस टाइप के चिन्ह होंगे। उस चिन्ह में आपको ये ध्यान देना कि जैसे आपका ये चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये चिन्ह आपका पॉजिटिव की ओर इशारा करता है, अर्थात आपको जब आप एंगल गेज को आप लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे बना हुआ है एंगल गेज को जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको केवल कोण को क्या करना है, जोड़ना है। अगर जैसे ही मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ, एक इसके विपरीत चिन्ह लगा देता हूँ, इसके विपरीत चिन्ह लगा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे वाला हिस्सा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। या फिर कई बार चिन्ह की अपेक्षा प्लस और माइनस लिखे हुए होते हैं, तो जहां पे प्लस लिखा हुआ होता है उस चीज को आपको ऐड करना होता है, जहां पे माइनस लिखा हुआ होता है उस चीज को आपको नेगेटिव करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर बनाए हुए हैं, देखेंगे आप, जैसे कि हमारा एक प्रकार का ये डॉक्टर का ग्रुप है, डॉक्टर ग्रुप का एक हिस्सा मैं काट कर लेकर आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो एंगल है वो कितना है, इसको मेजर करना है एंगल गेज ब्लॉक से। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा वाला एंगल गेज ब्लॉक रखा, फिर उससे छोटा वाला एंगल गेज रखा, फिर उससे छोटा वाला एंगल गेज रखा। जब ये पूरे एक तरह से आपस में क्या हो जाते हैं, एकदम फिक्स हो जाते हैं, तब इसके पश्चात इन लोगों को निकालने के पश्चात, इनको निकालते हैं और निकालने के पश्चात देखा जाता है कि कौन सा साइज कितने डिग्री का है, कौन सा पीस कितने डिग्री का है, कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं और साइज को या एंगल को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से मान के चलो किसी जॉब को किसी मशीन वर्क में सेट करना होता है, तो ये हमने यहाँ पे एक मास्टर ड्राइव को लगा कर रखा हुआ है, ये हमारी सरफेस प्लेट है। मास्टर ड्राइव पर हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक मास्टर ड्राइव पर लगाया और किसी वर्क पीस को ये रखा हुआ है। वर्क पीस का हमको ये वाला एंगल चेक करना है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये आपने एंगल गेज ब्लॉक के कुछ पीसेस रखे हैं, ये एंगल गेज ब्लॉक के पीसेस हैं। एंगल गेज ब्लॉक के पीस रखने के बाद जब ये एंगल गेज आपका एकदम कंप्लीट फिक्स हो जाता है, तो फिर हम लोग ये जो पीस रखे हुए हैं उन पीस को मेजर करके क्या करते हैं, इसका एंगल निकाल लेते हैं। हालांकि एग्जाम में ये कुछ तो आता नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपका ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर में ये जो फिगर आपका, इस फिगर का एंगल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं, 27 डिग्री 9 मिनट और 9 सेकेंड। आपको एंगल गेज ब्लॉक के जो पीस उठाने हैं उसको केवल मैट्रिक सेट से उठाने हैं, अर्थात ए सेट से उठाने हैं। ए सेट में आप देखेंगे कि हमारे पास 27 डिग्री का एक पीस है, बिल्कुल है, तो हमने यहाँ से 27 डिग्री का एक पीस निकाल लिया, ये 27 डिग्री का हमारा एक पीस हो गया, 27 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड का हमने एक पीस उठाया। दूसरा मिनट में लिखिए कितना है, मिनट में हमारे पास 9 मिनट का एक पीस है, तो देखिए मिनट में 9 मिनट का एक पीस है, हमने यहाँ से 0 डिग्री लिया और 9 मिनट लिया और 0 सेकंड लिया। तीसरा क्या दिया हुआ है, 9 सेकंड दिया हुआ है, तो 9 सेकंड के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई पीस है क्या 9 सेकंड का, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 6 सेकंड का लेंगे और एक 3 सेकंड का लेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिया 0 डिग्री 0 मिनट और 0 6 सेकंड का एक पीस लिया, और अंत में क्या लेंगे, 0 डिग्री 0 मिनट और 0 3 सेकंड का एक पीस लेंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे 6 3 9 सेकंड, 9 का 9 1 मिनट हो गया और ये 27 डिग्री हो गया, आपका ये साइज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सबसे पहले आपको सबसे नीचे वाले में 27 डिग्री रखना है, ये पॉजिटिव लिया हमने, प्लस लिया। 27 डिग्री के पश्चात 9 मिनट का एक पीस लेना, ये 9 मिनट का एक पीस लिया, ये भी पॉजिटिव रहा। इसके पश्चात 6 सेकंड का एक पीस लेना, ये हमारा छोटा सा पीस है 6 सेकंड का, 6 सेकंड का एक पीस लिया, और एक हमने पीस लिया 3 सेकंड का, ये हमारे पास 3 सेकंड का पीस है। तो आपका जो साइज बना 27 डिग्री 9 मिनट 9 सेकंड, ये काफी इजी था। अब कुछ ऐसे जो डिफिकल्ट होते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड, कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड। अब आपको इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास 27 डिग्री का एक सेट है क्या, तो यहाँ पे डिग्री में आते हैं, डिग्री में 1 डिग्री 3 डिग्री 9 डिग्री 27 डिग्री, राइट, 27 डिग्री का हमारे पास एक सेट है, हमने ये 27 डिग्री का एक सेट यहाँ पे उपलब्ध कर लिया, 27 डिग्री, ठीक है। अब इसके पश्चात हमको यहाँ पे 8 मिनट लेना है, क्या लेना है, 8 मिनट, हमारे पास मिनट है, 8 मिनट का कोई पीस है क्या, देखिए 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, 9 मिनट का है, 27 मिनट का है, 8 मिनट का कोई पीस है, कोई पीस नहीं है, तो हम लोग क्या करें, 8 मिनट के आसपास कौन सा पीस है यहाँ पे, 9 मिनट का पीस है, 8 मिनट के आसपास कौन सा पीस है, 9 मिनट का, ये हमने यहाँ पे 9 मिनट का एक पीस ले लिया, ये 9 मिनट का पीस हो गया आपका, ठीक है।
अब चूंकि हमको यहाँ पे कितने सेकंड लेकर आ रहे हैं, 51 सेकंड लेकर आ रहे हैं, कितने सेकंड, 51 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्या 51 सेकंड का कोई पीस आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते भी हैं तब भी यहाँ पे 48 हो जाएगा और 48 की 51 सेकंड होगा, तो 51 सेकंड तो आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है यहाँ पे 8 मिनट। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप नोट करना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, काफी सारे एंगल निकालने आते हैं। तो एक डिग्री जो होती है हमारी, एक डिग्री में कुल 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में कुल 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 60। तो आप देखिए हमको यहाँ पे 8 मिनट लेकर आना है, हमारे पास है 9 मिनट। अगर मैं यहाँ 9 मिनट से 1 मिनट को उधार लेता हूँ तो कुल कितने हो गए यहाँ पे आपके 8 मिनट हो गए, 8 मिनट। अभी हमारे पास 1 मिनट उधार है, 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड में ही कन्वर्ट कर लिया, ये 60 सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस 60 सेकंड में अगर मैं यहाँ से 6 और 3 सेकंड का एक हिस्सा खत्म करता हूँ, अर्थात यहाँ से 6 सेकंड में माइनस करता हूँ और 3 सेकंड माइनस करता हूँ, तो देखेंगे आपके पास कितना जाएगा, 51 सेकंड, आगे 51 सेकंड। तो ये 27 डिग्री क्लियर हो गया। 8 मिनट कहाँ से क्लियर हुआ, चूंकि हमने 9 मिनट का एक ब्लॉक उठाया, यहाँ से ये 9 मिनट का ब्लॉक उठाया, ये 9 मिनट का ब्लॉक हो गया आपका, और 9 मिनट के ब्लॉक में से 1 मिनट को हमने क्या लिया, उधार लिया, अलग कर दिया, तो टोटल आपका 8 मिनट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपके 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में से 6 सेकंड का ब्लॉक उठाया, 3 सेकंड का ब्लॉक उठाया, तो कुल कितने सेकंड बचे आपके, 51 सेकंड। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 6 सेकंड और 3 सेकंड, मतलब ये आपको पॉजिटिव करना है, ये आपको पॉजिटिव करना है, ये बचा हुआ था, ये आपको नेगेटिव करना है, ये नेगेटिव करना है। अब इसका साइज मैं बिल्डअप करता हूँ, इसके साइज को बिल्डअप करते हैं, देखिए कैसे साइज बिल्डअप होगा। ये सबसे पहले हमने ये 27 डिग्री का एक ब्लॉक लिया, 27 डिग्री के पश्चात ये 8 मिनट था, तो हमने यहाँ कितने ब्लॉक लिया, 9 मिनट का ब्लॉक लिया, कितने मिनट का ब्लॉक लिया, 9 मिनट का, ये हो गया आपका 27 डिग्री, 9 मिनट हो गया। आपको लाना कितना है यहाँ पे, 8 मिनट लेकर आना है, तो 8 मिनट के लिए हमने ये 27 डिग्री 8 मिनट पे यहाँ लिख लिया, लेकिन यहाँ से 1 मिनट को हमने क्या कर लिया, अलग कर दिया, क्योंकि 8 मिनट और 1 मिनट कितने मिनट हो जाते हैं आपके, 9 मिनट। तो यहाँ से हमने 1 मिनट को अलग किया, 1 मिनट बराबर होता है आप जानते हैं 60 सेकंड। तो हमने इसको भी क्या किया, पॉजिटिव किया, इसको भी क्या किया, पॉजिटिव किया, ठीक है। हमारे पास कुल कितने हुए, 27 डिग्री 9 मिनट हो गए, 27 डिग्री 9 मिनट में से हमको कितने, 51 सेकंड लेकर आ रहे हैं, तो 27 डिग्री 8 मिनट में यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हमारे पास 60 सेकंड है, अगर मैं यहाँ से 6 सेकंड घटाता हूँ, 3 सेकंड घटाता हूँ, तो कितने बचते हैं हमारे पास, 51 सेकंड। तो यहाँ पे हम 3 सेकंड का एक ब्लॉक लेंगे, लेकिन चिन्ह जो रहेगा आपका उल्टा हो जाएगा, सॉरी 3 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे और इसके ऊपर 3 लेंगे, ये 3 सेकंड, ये चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। देखेंगे आपके चिन्ह की परिपाटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमने साइज को जोड़ा है, किस तरह से साइज को घटाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, जो साइज आपको बनाने आते हैं वो साइज आप बनाने के लिए क्लियर हो जाते हैं। स्टॉप करना। इस ब्लॉक का बी पार्ट में कुछ फिगर पूछे जाते हैं, एग्जाम में कुछ फिगर आते हैं, कुछ फिगर पूछे जाते हैं, जैसे फिगर मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कुछ फिगर पूछे जाते हैं, उस फिगर में पूछे जाते हैं कि ये एंगल एक्चुअली में कितना है, ये एंगल निकालने कैसे निकालते हैं एंगल। तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो एंगल है वो कितने एंगल मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब हम लोग पॉजिटिव करते हैं तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव करते हैं, जब घटाते हैं, तो या तो हम लोग को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 36 डिग्री और 15 मिनट अगर यहाँ पे ले रहे हैं, अगर मैं किसी चीज को यहाँ पे घटाऊंगा, मिनट को अगर मिनट वाला चीज घटाऊंगा, तो मिनट वाली चीज में हमको यहाँ पे 35 मिनट करना पड़ेगा, यहाँ से 1 डिग्री को उधार लेना पड़ेगा, यहाँ पे 60 मिनट बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग मिनट वाले चैप्टर को घटाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, एक बार सिंपल तरीके में हम लोग चलते हैं, पुनः बहुत ईजी है। देखें यहाँ आपके सामने नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 27 डिग्री, 27 डिग्री का ये वाला चिन्ह बना हुआ है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ये वाला सिंबल बना हुआ है। तो इस वाले सिंबल में हमेशा ये हिस्सा पॉजिटिव और ये हिस्सा नेगेटिव होता है, क्यों, आपने देखा होगा जो चीज खुला होता है वो चीज ज्यादा होता है, जो चीज बंद होता है वो चीज क्या होता है आपका, कम होता है। तो ये सब खुला है, खुला मतलब ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो हिस्सा बंद की तरफ है अर्थात जो एकदम पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो हिस्सा ज्यादा आपका नेगेटिव। तो इस चीज में लिखी तो, और यहाँ पर हम लोग अगर इस चीज को पलटा देते हैं तो देखेंगे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले ये 27 डिग्री का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, सिंबल में आपका ये 27 डिग्री है, 27 डिग्री का जो सिंबल है वो इस डायरेक्शन में, अर्थात 27 डिग्री इस तरफ क्या हुआ है,
पॉजिटिव हो रहा है तो ये सकता है क्योंकि हमने पॉजिटिव ले लिया, और इस तरफ क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव में भी कोई भी चीज नहीं है। 27 डिग्री का पहला ब्लॉक लगा, ये पहला ब्लॉक आपका 27 डिग्री का क्लियर होता है। दूसरे ब्लॉक में आप देखेंगे, दूसरा ब्लॉक आपका 9 डिग्री का है, 9 डिग्री का जो ब्लॉक है आपका इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन का मतलब क्या होता है आपका घटाना है, तो 9 डिग्री को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, कितना बचता है आपके पास 27% हो गए, 18 डिग्री बचा आपके पास। अब आपके 18 डिग्री के बाद 3 डिग्री का सिंबल भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये 3 डिग्री का डायरेक्शन है आपका, 3 डिग्री का डायरेक्शन क्या है ये वाला है, अर्थात इसको क्या करना है माइनस करना है। तो 3 डिग्री को जब हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास यहाँ पे 15 डिग्री बचता है, यहाँ 15 डिग्री तक क्लियर हुआ। अब 15 डिग्री के पश्चात यहाँ पे फिर 27 सेकंड का है, यहाँ पे कितने का है 27 मिनट का है, कितना है आपका ये 27 मिनट, और ये है आपका 9 मिनट, ठीक है। तो 27 मिनट दिए और 9 मिनट दिए है, 27 मिनट का सिंबल भी आपका किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा 27 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो 27 मिनट को घटाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 27 मिनट को घटा नहीं सकते, तो कैसे घटाएंगे, ये 15 डिग्री, ठीक है, इस 15 डिग्री को हम लोगों ने किया 14 डिग्री, कितना किया 14 डिग्री, 14 डिग्री और प्लस 1 डिग्री और करके तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। आपको इस डिग्री को आप जानते हैं 1 डिग्री को हम लोग कितना बनाते हैं 60 मिनट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि आपका 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो ये हमने 60 मिनट बनाया आपके, तो 14 डिग्री आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 14 डिग्री आना ही है। अब आपके पास ये 60 मिनट है, 60 मिनट से सबसे पहले ये 27 मिनट दिखा रहा है, तो ये 27 मिनट, ये 27 मिनट को हमने घटा दिया, 10 में से 7 का आपका ये 3 और 6 में से आपका 3 का कितना हो जाए आपका 3, 33 मिनट। अभी 33 मिनट में आपको 9 मिनट और घटाने हैं, ये 33 मिनट से आपको कितने घटाने 9 मिनट, क्यों, क्योंकि 9 मिनट का साइन भी उस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये 9 मिनट को जब हम लोग घटाते हैं तो कितना बचता है आपके पास 13 में से 9 का आपके कितना बचता है आपका ये 4 और ये 24, तो आपके 24 मिनट यहाँ से क्लियर हो गए, आपके कितने क्लियर हुए आपके 24 मिनट। तो सबसे पहले 14 डिग्री क्लियर हुआ था और 24 मिनट क्लियर हुआ। तीसरा आपका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं 18 सेकंड लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 18 सेकंड, 18 सेकंड का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन का, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जोड़ना है। अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आप 18 सेकंड को क्या कर सकते हैं यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो हमारा साइन बन जाता है कितना 14 डिग्री 24 मिनट और 18 सेकंड, बहुत ईजी बहुत ही सिंपल है। सेकंड तरफ चलते हैं, दूसरा भी एग्जाम्पल हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है, आप दूसरे क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर भी मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्शन ये बना हुआ होता है तो जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट वाला हिस्सा आता है वो हिस्सा होता है आपका नेगेटिव और ये हिस्सा होता है पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब ये डायरेक्शन जस्ट विपरीत हो जाता है तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सबसे पहले 27 डिग्री लिखा हुआ है, ये 27 डिग्री है, 27 डिग्री ये कंप्लीट 27 डिग्री में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये वाला ब्लॉक आपका एंगल का क्या होता है क्लियर हो जाता है। 27 डिग्री का आप देखेंगे 27 डिग्री के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में 9 डिग्री का डायरेक्शन बना हुआ है, कितने डिग्री का बना हुआ है ये 9 डिग्री का, तो 9 डिग्री का डायरेक्शन देखेंगे, ये 9 डिग्री का डायरेक्शन, ये 9 डिग्री के डायरेक्शन में क्या करना है आपको माइनस करना है, ये 9 डिग्री का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, कितना बचा 18 डिग्री बचा। 18 डिग्री के ऊपर पहुंचते हम लोग ये 3 डिग्री वाला देखेंगे, तो 3 डिग्री का डायरेक्शन भी क्या है आपका नेगेटिव की तरफ है, तो 3 डिग्री के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं, कितना बचा आपके पास 15 डिग्री। तो यहां से आपका 15 डिग्री यहां तक का ऐसा क्लियर होता है आपका। अब 15 डिग्री के पश्चात आप देखेंगे कि 15 डिग्री के पश्चात हमारे पास जो सिंबल बना हुआ है वो उसका प्लस पॉजिटिव वाला सिंबल है, कौन सा सिंबल है पॉजिटिव वाला, ये 27 डिग्री का सिंबल, 27 मिनट का सिंबल कौन सा है ये पॉजिटिव सिंबल है, तो आप 15 डिग्री तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, 15 डिग्री में हमको कुछ भी माइनस नहीं करना है क्योंकि सिंबल हमारा आगे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 15 डिग्री आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर हाँ यहाँ पे अगर ये सिंबल अगर आपका उल्टा होता तो फिर यहाँ से 1 डिग्री हम उधार लेते इस क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे 14 डिग्री हो जाता और फिर 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते और फिर मिनट की संख्या को घटाते, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्शन जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपका यहाँ से ये 15 डिग्री जो आ रहा था वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। दूसरा डायरेक्शन देखते हमारा कितना लिखा हुआ 27 मिनट, ये 27 मिनट लिखा हुआ है, 27 मिनट के ऊपर का जो सिंबल बना हुआ है वो भी क्या है आपका पॉजिटिव है, तो 27 के ऊपर का कितना हो जाएगा आपका ये 9 मिनट, कुल कितने हो जाते हैं 27 और 9 36 मिनट हो जाते हैं, कितने मिनट हो जाते हैं 36 मिनट, तो यहाँ से 36 मिनट भी आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो 18 सेकंड लिखा हुआ है, ये 18 सेकंड है,
18 सेकंड का जो सिंबल बना हुआ है वो विपरीत दिशा में बना हुआ है। विपरीत दिशा में बने होने का मतलब ये कि हमको 18 सेकंड को क्या करना है, घटाना है। 18 सेकंड को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 36 मिनट से हम लोग ने 1 मिनट को उधार लिया, यहाँ पे बचते हमारे कितने मिनट, 35 मिनट। तो आपके यहाँ पे 35 मिनट क्या हो जाते हैं, एकदम क्लियर हो जाते हैं। हमने 1 मिनट लिया, आप जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। अब इन 60 सेकंड में मैंने 18 सेकंड आपको क्या कर दिया, घटा दिया। तो 10 में से 8 कितने बचे आपके, 2, 6 में से 2 कितने बचे, 4। तो यहाँ पे हो जाता है आपका 42 सेकंड, ये एकदम क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं, आप लोग घर पर भी इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप हमारे पीडीएफ में जाएंगे, आप हमारे और भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन प्राप्त होंगे। अगर आप जुड़े रहते हैं सबसे जुड़ने साथ तो आपकी काफी सारे आपको पीडीएफ भी प्राप्त होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे व्हाट्सएप लिंक में काफी सारे आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर प्राप्त होंगे। और हर दिन जो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, हर दिन ऑनलाइन एग्जाम होता है, लगभग वीक में 5 डेज हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए होता है। तो जो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है वो तो हमसे जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे काफी सारे सिलेक्शन हो चुके हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। ऑफलाइन क्लासेस जबलपुर शहर में चलती है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती है। तो हमारे पास कम से कम 24+ स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, अलग अलग जगह पे सिलेक्ट हो चुके हैं। आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बने रहिए सक्सेस जोन के साथ, लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार और भी वीडियो प्राप्त होते रहे, और इस चैनल को आप शेयर जरूर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो भी सक्सेस जोन से जुड़ सकें और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।